एल्गो सी पी हम कैसे असेंबलिंग करते हैं, आप ये देख रहे हो। सी पी में आपको इसको इंसाइड डाल के नीचे से इस तरह इसको और आपको उसको नीचे से या जैसे चाहे आप यहाँ से करते हो उसको, ठीक है। आप यहाँ से इसको मान लो अपने कस्टमर को यहाँ से कस्टमर स्क्रीन को पकड़ के और सेम वे आपको जो हाइट देना है उसको हाइट करके सेम वे आपको यहाँ पे ये आपका एल्गो सी पी मशीन है। आपको ये राउंडिंग देख रहे हैं, ये इसको उस पर लेके उसको इस तरह से कट करेंगे। बस आपका ये फंस गया, आपको इस तरह से इसको टाइट कर देंगे, ठीक है। सेकेंड वे आपका फिर असेंबली भी तक करने के लिए आपका ये है, इसको आप रिमूव कर दोगे आप करेंगे फर्स्ट। आप इसमें देखो, आप राइट हैंड या लेफ्ट हैंड जो भी यूज़ करना चाहते हो, आपका यहाँ स्टार ऑफ मार्क्स किया हुआ है, ये देख रहे हैं, ये स्टार मार्क्स किया हुआ है। और सेम वे आपका यहाँ पे भी स्टार मार्क्स किया हुआ है, ठीक है। सेम वे आपका स्टार मार्क्स किया हुआ रहेगा, आपको उस स्टार मार्क्स पर आपको इसको लगाना है। तो हम अभी इसको यहाँ पे लगाते हैं स्टार मार्क्स पे, तो मुझे इसका स्टार मार्क्स पे यूज करना है। आप मशीन जब स्टार्ट करेंगे तो आप डिग्री जीरो पे करेंगे, ठीक है। आप जीरो करके यहाँ देखिए, यहाँ पर डिग्री दिया गया है, यहाँ पे आप उसको इस व्यू में जो भी आपको हैंड देना है, राइट हैंड या लेफ्ट हैंड, एकदम जीरो सीधा करके जीरो पे लगा देंगे। एकदम जीरो सीधा करके मैंने उसको जीरो पे टाइट कर दिया, ठीक है। मैंने हाथ में स्टार्ट किया, एकदम ये जीरो पर सीधा हो गया, ये आपका जीरो डिग्री पर हो गया। सेम वे आपको यदि इस साइड लगाना है तो आप ये आपका एल्बो का है, आपको मान लीजिए एल्बो इस साइड लगाना है, सेम वे आपको इसको एकदम सीधा करके आप यहाँ पे राइट लेफ्ट कर सकते हो, ठीक है। मैंने इसको यहाँ पे सेट कर दिया एल्बो के लिए, और मैंने एल्बो के लिए यहाँ पे इसको सेट कर दिया सेम वे। फिर आपका ये है हाइट के इस एडजस्ट के लिए, हैंड एडजस्ट के लिए। इसके बाद आपको आपका हैंड रखना है इस पर, कैसे इसको क्लैप करना है हैंड रखने के लिए। ये आपका एडजस्टेबल है, आप इसमें देख रहे हैं दो नोब यहाँ डाया हुआ, ये दो नोब, ये आपका स्क्रू टाइट करने के लिए, आपका रेड कलर का स्क्रू होगा वो आप यहाँ से टाइट कर सकते हैं। ये जो स्क्रू है ना, आप नीचे लगा के तब ये स्क्रू टाइट करेंगे, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे होगा। मैंने इसको हैंड वेसर वाले को लगाया, अब मुझे इधर से हाथ चलाना है तो हाथ इधर रखना है। सेम वे आप देखिए, नीचे दो होल है, यहाँ पे जो दो होल है आप इसमें इसको लगाएं और नीचे से इसको टाइट कर दीजिए इसे। सेम वे जब मैं उस साइड करूँगा, इसको ये निकाल के इधर से आप इसको यहाँ पे डाल सकते हो, ये देखिए सेम वे, ठीक है। लेफ्ट राइट आप दोनों कर सकते हैं। मैं आपको शोल्डर का दे रहा हूँ, सेम मैंने फिर इसको बेल्ट को बेल्ट यूज कर लिया, और आपका ये कैसे स्विच हो गया, मैंने इसको यहाँ पे टाइट कर दिया। और मैं इसको यहाँ पे टाइट करके अब मैंने इसको डिग्री एंगल डिग्री दिया कि चलो भाई, मैंने जितना इसको आपको हाइट एडजस्ट इससे कर सकते हो ऊपर नीचे, आप मैंने इसको डिग्री दिया फ्लैट डिग्री जीरो,
और डिग्री सेंटीग्रेड मैंने इसको इंक्रीज किया, मैंने 25 डिग्री या मैंने 50 डिग्री किया, स्टार्ट किया। ये देखिए अब मेरा हाथ 50 डिग्री तक ऊपर आया, मैंने इसको थोड़ा सा लो करके इसे कर लिया अपने अकॉर्डिंग, मैंने इसको यहाँ पर सेट किया। अभी मेरा 50 डिग्री हाथ ऊपर आएगा, 45 पे। अब यहाँ पे डिग्री देखो 45 पे है, देखिए 50 पे आके रुक गया। आपको थोड़ा देर ये रुकेगा फिर आप नीचे जाएगा, हाथ देख लो यहाँ नीचे जाएगा। इस तरह से आप एल्बो को, आप अपना चेयर पे सिटिंग करके एल्बो को कर सकते हो। सेम वे आप, मैं जाता हूँ, मैं भी ऑफ कर दे रहा हूँ सेम एल्बो, आप राइट हैंड लेफ्ट हैंड आप चेंज कर सकते हो सेम प्रोसेस से। अब मैं आता हूँ आपको सेम प्रोसेस में, आप मैं आपको यूज़ कर दिखाता हूँ कोई शोल्डर का, आप इसको रिमूव कर दो यहाँ से। ये आपका शोल्डर का, ठीक है, शोल्डर का अटैचमेंट है। आप इसको ये अटैचमेंट को लेकिन जो जितना आपको यूज करना है, जिस हाइट पे इसको यूज़ करना है, ठीक है, उसको यहाँ से लेके आपका ये अटैचमेंट है। आप इसको आप फर्स्ट ऑफ ऑल जीरो करोगे, मशीन को ऑफ करके ऑन करने का आप जीरो करोगे, ये आप ऑटोमेटिकली जीरो पे आ जाएगा। देखिए आपका पासवर्ड है 1 2 3 4 स्टार्ट, एक ऑटोमेटिक पहले चलेगा मशीन, ये जीरो पे आएगा। लिखा प्लीज वेट पोजिशन आर दिस इज द प्रोसेस, आपको रुकना है। आप फिर इसको ये अटैचमेंट को लेके, मान लीजिए मेरा हाथ छोटा है तो मैंने इसको अटैचमेंट को ले लिया, ठीक है, और उसको जाके मैंने एकदम जीरो डिग्री पे मैंने उसको सेट किया, जिस हाइट में मुझे लेना है। मैं इसको जीरो पे सेट कर दिया। अब सेम भी मुझे एल्बो का लेना है या लेकर जिसका भी लेना है मुझे, मैंने मुझे जो भी डिप्रेशन है फॉर एग्जाम्पल मैं अपना एल्बो कर सकता हूँ, शोल्डर चाह रहा हूँ शोल्डर कर सकता हूँ, जो भी अटैचमेंट चाह रहे हैं वो अटैचमेंट इससे हम कर सकते हैं। मैं लेफ्ट हैंड का चाह रहा हूँ, मुझे लेफ्ट हैंड का शोल्डर का करना है, सेम वे आपको यहाँ बैल्ट लिया लेना है, इसमें आप अपना हाथ इसमें अटैच कर सकते हो जैसे भी आपको करना है पेशेंट का। मैंने अपना हाथ इस तरह से अटैच कर लिया और अपने रिकॉर्डिंग को मैंने पकड़ लिया, ठीक है, और इसको आप आगे पीछे कर सकते हो, इसको भी आगे पीछे कर सकते हो, इसको भी आप ये खोल के इसको और छोटा कर सकते हो जितना चाह सकते हो, वो आपके अकॉर्डिंग हाँ पे लंबा है, मैंने इसको देख कर सकते हो, ठीक है। मेरा इस तरह है लेफ्ट हैंड, जो भी डिग्री देना मान लीजिए मैं जो भी डिग्री देना चाहता हूँ इसमें, यहाँ मैंने अपना डिग्री सेट कर लिया, फिर टाइम सेट किया मैंने, फिर मैंने स्टार्ट किया, फिर मैंने डिग्री सेट करा, फ्लेक्सिंग मैंने मैं डाला 90 डिग्री मैंने स्टार्ट किया। ये देखिए अब मेरा हाथ चाहिए ये हल्का, चाहे तो मैं हल्का मूव भी कर सकता हूँ अपने हैंड को, जैसे चाहे उसे आप मूव कर सकते हो। आप चलो मेरा हाथ बैंड है, इस तरह से आप इसको ये आप ऑटोमेटिकली ऊपर ले जाएगा, मेरा हाथ स्ट्रेट है तो स्ट्रेट ले जाएगा, मेरा शोल्डर को ऊपर ले जाएगा। आप अपने अकॉर्डिंग सीट को मशीन पर एडजस्ट कर लो, आपको जिसमें कम्फर्टेबल हो, जिसमें कम्फर्टेबल मिला मैंने इसे लगा के मैंने इसको लगा दिया, ऑटोमेटिकली हाथ को उठा लिया। मुझे हल्का सा इसको डाउन करना है, हल्का सा मैं डाउन करके
पैक कर दिया इसको, यहाँ पे कोई लगा ऑटोमेटिक आपको 90 डिग्री के ऊपर मिल जाएगा, पूरा 90 डिग्री आपको आपको बस इसके सीधा ऐसे करके आपको किसी को भी फोल्डिंग करा है, बस हाथ एडजस्ट होना चाहिए सीधा, आपके हाथ को 90 डिग्री ले जाएगा, 90 डिग्री डाउन होगा। आपको चाहते हैं आपका सेंस अकॉर्डिंग है, आप वो चाहते हैं मिल जाए मुझे हल्का सा इसको ऐसे इस राइट हैंड लेफ्ट हैंड जगह राइट हैंड ही करना है, इसी से करना है, तब ये भी चाहे कि ये मूव कर सकते, एक तो ये मूव होता है, एक आप ये मूव करा सकते हो पेशेंट को, आप दोनों मूव अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। एच डी टू आप इसको हैंडल कर सकते हो, और ये ब्रांच फ्यूजन ऑफिस का है, आपको कोई भी अदर इंस्टॉलेशन डिटेल की जानकारी के लिए चाहिए आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हो हमारी कंपनी से, तो इसलिए आप कहीं भी इसको इंस्टॉल कर सकते हो। एच डी टू आप राइट हैंड और लेफ्ट हैंड एल्बो और शोल्डर दोनों यूज़ कर सकते हो, एक बार आप एल्बो दे दो तो एल्बो देंगे और शोल्डर दे दो तो शोल्डर ही देंगे, एक ही चलाएंगे दोनों इसको एक टाइम। Thank you very much.